के लिए कुर्बानी दी। करगिल में तुम्हारे चड्डी वाले वहां नहीं थे, हमारा वो आसाम का भाई था जो पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा था। तुम्हारे मरकम होता हमारी चड्डी वहां पेंट की पेंट जो है वो पेंट निकल जाती। हमें देखने के बाद तो इन्होंने चड्डी पहन के पेंट पहनना शुरू किया। हमें तो 70 साल लगे निकर पहन छोड़ के पेंट पहनने को। 70-50 साल लग गए इनको आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा लहराने में। वो भी किसने सिखाया? हमने सिखाया। किसने सिखाया? हमें अपना सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वो एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, मैंने उसका नाम फेंटा रखा है। एक साइड फेंटा की बोतल खड़ी कर दो, दूसरे साइड योगी को खड़ी कर दो। ये योगी नहीं, योगी है और हम योगी से डरने वाले। उस वक्त कहां थे मोदी जी आप? उस वक्त कहां थे अमित शाह जी आप जब हमारी बच्चियों को अंदर घुस के पीटा गया बेरहमी से? चिल्ला चिल्ला के वो बोल रही थी कोई आए हमें बचाए। उस वक्त मोदी कहां था? उस वक्त अमित शाह कहां था? चिल्ला चिल्ला के बोली चाहिए की बच्चिया, चिल्ला चिल्ला के बोली जहरू की बच्चिया, चिल्ला चिल्ला के बोली हिंदुस्तान की बच्चिया। यूपी से आई आवाज, लेकिन उस वक्त हमारी मुसलमान बहनों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। मैं सलाम पेश करता हूँ उन हिंदू भाइयों का जो रात को सड़क पे सर्दी में हमारे हम लोगों के साथ खड़े थे, आंख में पे पट्टी बांध के हमारी बहनों पे हाथ उठाने वाले नामर्द लोग हैं। अगर मर्द होता तो सारे, जो मर्द होता है वो आंख में पे पट्टी नहीं बांधता, जो मर्द होता है छाती चीड़ा करके सामने वार करता है। तुम दुष्ट लोग हो, ये डरपोक लोग हैं। कहते हैं पाकिस्तान जाइए, अरे हम बेगैरत लोग नहीं हैं जो बिना इनविटेशन के पाकिस्तान जाएंगे। हम इज्जत से जाने वाले लोग हैं। हम आपकी तरह बिना इनविटेशन के पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं जाएंगे। आज भी नहीं जाएंगे, मरते दम तक नहीं जाएंगे। हमने तब शहादत दी, आज जाएंगे मरते दम के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा। हमसे आज सर्टिफिकेट मांगते हो? आज हमसे सर्टिफिकेट कौन मांगते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली तब की? अंग्रेज तो चले गए अपनी नाजायज औलाद यहां। ये तब भी हम पे बोझ थे, आज भी हम पे बोझ थे और आगे भी बोझ बढ़ेंगे। ये तो इतने बुजदिल है कि आपके 35 दिनों के अंदर अंदर इनको खुद मालूम नहीं है कि बयान कौन क्या दे रहा है। 35 दिनों में मोदी जी कहते हैं हमने तो एनआरसी लानी नहीं। अमित शाह बोल रहे थे लाएंगे लाएंगे लाएंगे, लाइए लाइए लाइए, हम भी देखो लाइए ना। कहते हैं 500 रुपए लेती है महिला। अरे तुम तो इतने डरपोक लग गए, तुम तो इतने डरपोक निकले। हमारी बहने 500 नहीं लेती, तुम्हारी नाक में दम कर दिया, तुमने अपने बयान में बदल दी। तुम हमें 500 रुपए दोगे? हम भिखारी हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे भाई, चाहे उसमें आसाम में हमारे 3 भाई सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। आसाम में कोई मुसलमान मरा नहीं, वो हिंदू मरा। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये उसका मसला है। जो 5वां हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज 70 साल के बाद उसके परिवार को कहा जा रहा है कि तू इस देश का नागरिक नहीं है। यह आसाम के उस फौजी को कहा जा रहा है 70 साल के बाद जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी। करगिल में तुम्हारे चड्डी वाले वहां नहीं थे, हमारा वो आसाम का भाई था जो पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा था।
करना शुरू किया। तुम्हें तो 70 साल लगे निकर पहन छोड़ के पैंट पहनने को, 70 साल लगे। पहले तो अपना हमारा ये तिरंगा लहराते नहीं थे, 50 साल लग गए इनको आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा लहराने में। वो भी किसने सिखाया? हमने सिखाया। किसने सिखाया? और 70 साल लग गए चड्डी से पैंट पहनने में। वो भी किसने सिखाया? और तुम हमें बोलोगे कि हम तुमसे डरेंगे? इन्होंने 6 साल में क्या किया? हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनके साथ गलत हुआ, मैं मानता हूं। 10 बजे जान हो रही है, लेकिन 6 साल में आपने क्या किया उनके लिए? आप भी जवाब दीजिए। मेरे भाई और बहनों, और भी लोग हैं यहां बोलने के लिए, लेकिन मैं इस वक्त आपसे सिर्फ इल्तिजा करता हूं। ये स्टिंग ऑपरेशन वाले आते हैं, भैया डरो मत, कैमरा लेके आते हो लेकिन माइक का वो लाते नहीं हो कि वो बोल खुल जाएगी। डरते क्यों? हम यहां मारेंगे नहीं आपको। आइए रिकॉर्डिंग करिए, हमारी अच्छी चलाइए। हम भी चाहते हैं कि आप चलाइए और अपने आप को खुद एक्सपोज करिए। ये जो हम पे सवाल उठाते हैं, दुनिया वाले इन पे सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान क्या है। हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को। इमरान खान अपने पाकिस्तान को संभाले, हमें क्या लेना देना उससे? ये मुद्दा जो है ये हिंदुस्तानियों का मुद्दा है। हमने पाकिस्तान को उस वक्त छोड़ दिया था और आगे भी छोड़ देंगे। इंशाल्लाह ताला हम एक होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और आपका हमारा सब पे साथ करेंगे। आखिर में आपको ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग यहां घुसने की कोशिश करते हैं और बाहर ये फैलाना चाहते हैं कि यहां किसी का एजेंडा है, ये मुसलमान करवा रहे हैं। सच्चाई नहीं है, यहां हिंदू भी है मुसलमान भी। चलिए मानते हैं कि मुसलमान जा रहे हैं, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमानों को हक नहीं है अपनी आवाज बुलंद करने का? क्या मुसलमानों को हक नहीं है अपने उन भाइयों के लिए लड़ने का जिन भाइयों को आपने गोलियां लगा के मार दिया? क्या कसूर था उनका? और मेरी आपसे आखिरी में इल्तिजा है कि उत्तर प्रदेश में और काफी ऐसे राज्य हैं वहां नुकसान हुआ है घरों का, आपसे जितना हो पाए उनकी मदद करिए और डरिए मत। हमें अपना सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने पैंट पहनना शुरू किया वैसे ये एनआरसी और सीए को भी वापस लेंगे, लेकिन जब आप मजबूत होंगे, जब आप ये लड़ाई आगे बरकरार रहेंगे, ये मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, मैंने उसका नाम फेंटा रखा है। एक साइड फेंटा की बोतल खड़ी कर दो, दूसरे साइड योगी को खड़ी कर दो। ये योगी नहीं डोगी है और हम योगी से डरने वाले नहीं है। रखेंगे और यहाँ सबसे बड़ी बात है, कोई भी मजहबी नारा नहीं लगाएगा। लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की एक है। और मैं आखिर में धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आज पहली बार जो आए थे हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए, आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक हो गया। और सबका शुक्रिया है, कोई भी आए उसका स्वागत है। अभी अभी कुछ रिपोर्ट आई है कि जो गोदी मीडिया है
वो फैला रहा है कि यहाँ कुछ कश्मीरी भाइयों को जबरदस्ती की है, लेकिन मैं उनको दावत देता हूँ कि वो यहाँ खुद आए और देखिए कि हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ खड़े हैं और ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। ये झूठे लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम सब एक हैं, हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ खड़े हैं, जो वहां हमारे भाई बोल के गए इनकलाब जिंदाबाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी